मैं जिस मूवमेंट में हूँ उसमें तो रोज की बात रहेगी, उसमें कुर्बानें दे और आते जाते रहेंगे लोग। मैं इन सब चीजों को सोच के पीछे नहीं हटता। मैंने तय किया है कि अगर मैं इसमें मर भी जाऊंगा तो मूवमेंट जिंदा रहेगी। हम सब लोग एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बाबा साहब की है, ज्योतिबा फूले की है, साहू जी महाराज की है, पेरियर की है, नारायण गुरु की है, बिरसा मुंडा की है और भगत सिंह दूसरी लाइन में आते हैं। हम इस लड़ाई को कॉन्स्टिट्यूशन वे में लड़ेंगे। बहुत बार जो है सांसों को उखड़ते देखा, बहुत बार जो है खुद को तड़पते देखा, बहुत बार अपनी भावनाओं को खुद में समाते देखा। सारे बुद्धिजीवियों ने, सेकुलर लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन भी किया और बहुत आंदोलन भी किए, अपनी बात भी रखी जी। तो उन सब लोगों का मेरा मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे जी। आने वाले समय में हम उनकी जो उम्मीदें उन पर खड़े होने काम करेंगे। हमें सूखी रोटियां दी गई, जेल में उत्पीड़न किया गया, हमें पता है कितने देसी है। हम जो उन्होंने हमें दिया हम उनको ब्याज सहित वापस कर देंगे, बहुत जल्द कर देंगे 2019 में। जो कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भीम आर्मी के कमांडर सो जेल के विचों रिहा हुए ने, सरकार नूं उन्हां दे अगे झुकना पिया। तो अज असी फगवाड़ा वासी बहुजन समाज के सारे ही साथी उस खुशी नूं जाहिर कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत।